अधिकारी बनकर आए एक जालसाज ने महिला को जालसाजी का शिकार बना डाला। आरोपी के झांसे में आकर महिला ने अपना घर तक गिरवी रख दिया, लेकिन जब उसे फर्जी बैंक अधिकारी की सच्चाई का पता चला तब तक उसका सब कुछ लूट चुका था। ये रिपोर्ट देखिए। फांसा देकर महिला के साथ ठगी, फर्जी बैंक अधिकारी बनकर दिया जालसाजी को अंजाम, 5 लाख रुपए का लोन पास कराने का दिया झांसा, बेटे की नौकरी लगाने के नाम पर भी हड़ी रकम। कोरबा में एक शातिर बदमाश ने महिला को झांसे में लेकर ठगी का शिकार बना डाला। आरोपी ने खुद को बैंक अधिकारी बताया था, लेकिन जब वो महिला का घर बार बेचने के बाद सारी जमा पूंजी हड़प कर ले गया तब जाकर जालसाजी का पता चल सका। आपको पता ही होगा कि लगातार जिला पुलिस कोरबा के द्वारा हमारे जिला अंतर्गत विभिन्न थाना क्षेत्रों के अंतर्गत लगातार जो है पुलिस जनमित्र योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत अंजोर रथ, संवेदना कार्यक्रम, मिशन सिक्योर सिटी, सेल्फ डिफेंस की अलग अलग जागरूकता कार्यक्रम संलग्न की गई है, और इन सब के माध्यम से जो है साइबर की जो ठगी है, एटीएम फ्रॉड, बैंकिंग फ्रॉड, अन्य वित्तीय संबंधी अपराध हो रहे हैं, उससे संबंधित जो फ्रॉड हो रहा है, चिट फंड कंपनियों के द्वारा जो फ्रॉड हो रही है, उसके संबंध में आम नागरिकों का अवेयरनेस किया जा रहा है। तो हमको धन धन नहीं भी होता था ना, सब हम अपना बैलेंस पैसा जो रखी थी बंधन में लोन निकाल करके दो पैसा रखे रहती थी, वही पैसा को मैं उसको ला के देती थी और ला ला करके उसको दी। कितना दी टोटल? टोटल 72,000 को मैं देती थी मिला के। उसने मेरा लड़का के नौकरी लगाने के लिए बोला, उसके नाम से 16,000 रुपये ले लिया अलग से, मैं उसी में मिला के ले लिया। ठगी का शिकार हुई महिला आरामसीन पारा बस्ती में रहती है और सड़क किनारे साग सब्जी बेचकर अपना घर चलाती है। महिला को कुछ दिन पहले एक शख्स मिला जिसने खुद को बैंक अधिकारी बताते हुए अपना नाम आर के शुक्ला बताया। महिला को झांसे में लेने के लिए वो आए दिन सब्जी खरीदने लगा और एक दिन महिला से बोला कि वो बैंक से 5 लाख रुपए का लोन दिला देगा, फिर लोन के पैसे से सब्जी की बड़ी दुकान खुल जाएगी। जिसके बाद खानापूर्ति के लिए कुछ कागजात साइन कराए और हर महीने कुछ रकम लेने लगा। इतना ही नहीं, उसने महिला को एक झांसा भी दे डाला कि वो उसके बेटे की नौकरी भी लगवा देगा। लंबे वक्त तक पैसे ऐंठने के बाद एक दिन अचानक उसका मोबाइल बंद हो गया, तब जाकर महिला को ठगी का पता चल सका। किसी के भी प्रलोभन के शिकार ना हो, किसी को भी मतलब पैसा दुगना तिगुना करने का प्रलोभन अगर दिया जाता है, नौकरी लगाने के नाम पर आपको बहकाई जाती है या पैसे की मांग की जाती है, तो इस तरीके की गतिविधियां हैं, आपराधिक गतिविधियां रूप में लोग करते हैं, उनसे दूर रहें। और इस प्रकार की कोई सूचनाएं आती हैं तो सर्वप्रथम संबंधित संस्था या संबंधित विभाग या संबंधित शासकीय अधिकारी कर्मचारी से संपर्क करके ही कहीं पर पैसा लगाएं या किसी को नौकरी लगाने के नाम पर पैसा दें। पैसा देना वैसे भी अपराध है और नौकरी के नाम पर पैसा लेना भी अपराध है। आरोपी को पैसे देने के बाद महिला ने कर्ज ले लिया जिसको चुकाने के लिए उसका घर तक गिरवी रख गया है, जबकि पुलिस ने महिला की शिकायत पर FIR दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। जमा करेगा उसके लिए भी उसका कपड़ा का पैसा लगेगा और बैंक का पैसा खाता खुलाने का उसका भी पैसा लगेगा, ये सब कहीं कुछ पैसे ना उसके नाम से भी पैसा लगेगा। सिम कार्ड पिन खोलिए। किसका नाम? किसका सिम कार्ड? हम अपने नाम से लड़का का मोबाइल आएगा, ओप्पो का मोबाइल आएगा, उसमें सिम लगेगा, 3 ठो सिम, तो 3 ठो सिम हम इसको खरीद के दिए अपने नाम से। अपने नाम से अब सिम भी ले गया। उसके बाद में जब हम कोई पैसा नहीं आया ना सकता, उसके बाद सिम को बारे में थाना में रिपोर्ट की तो उसकी वो भी हमारा 3 ठो नंबर दिया था, तीनों नंबर को एक करती हूँ डायल करती थी तो बंद होता। फिलहाल आरोपी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है, जबकि पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए एक्सिस बैंक तक जाकर पड़ताल कर ली है, लेकिन पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हवालात के लिए कोरबा से मनोज यादव की रिपोर्ट। हवालात में बस एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे पुलिस ने दबोचा हाईवे पर लूट करने वाला हाई प्रोफाइल गिरोह और कहा मामूली विवाद में गुस्से से पागल हुए शख्स ने पत्नी पर कर दिया जानलेवा हमला।